हेलो थ्रेन फैमिली, एपिसोड का यान बेहोश हो जाता है, जिसके बाद अगली बार जब जुआन को होश आता है तो वो एक अलग वर्ल्ड में था। यहाँ यान लुओ पाने के लिए अपनी पावर का यूज करके एक अलग ही वर्ल्ड बना लिया था, और उसके बाद लगभग 10,000 साल बीत गए और आज मैं आपसे मिला हूँ जब मेरी लाइफ ये एंड होने वाली है। साथ ही वो बताते हैं कि लिटिल लॉन्ग वो काफी ज्यादा वीक है, वरना अगर वो अपने पहले की सिचुएशन पे होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बातों को सुनता। और इसके बाद ईची थी तियान चैन जो यान की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरी बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हालांकि किस्मत से मेरी सोल काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। साथ ही मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ मैंने हिडन तौर पर इतना बड़ा एल्यूजनरी एरिया क्रिएट किया था। साथ ही मैंने बाहरी वर्ल्ड में होली माउंटेन का यूज लोगों को केवल एल्यूजन में रखने के लिए किया है। हालांकि अब हजारों साल हो गए हैं और आखिरकार अब मैं शांत हो गया हूँ। उनकी बात को सुनने के बाद जुआन समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ चल क्यों रहा है, और कोई भी सरप्राइज नहीं था कि मैन्यून ने कहा था कि होली माउंटेन पर किसी को भी कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। वो केवल एक माउंटेन था जो कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किया गया था। और इस टाइम पे इतियान चैन का जो भी इनहेरिटेंस था वो इस एल्यूजनरी एरिया के अंदर था। साथ ही जुआन को यह भी पता था कि सुप्रीम सेंट लेवल का वॉरियर भी इस एरिया को जल्दी खोज नहीं पाएगा। और इस टाइम पे जुआन को सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर की पावर की एक बार फिर से नई समझ हुई थी। हालांकि जुआन थोड़ा सा झिझकता है और इसके बाद उन्हें ग्रीट करते हुए धन्यवाद देता है उसे गाइड करने के लिए। हालांकि इसके बाद जुआन कहता है, एल्डरी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगता है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। जिसमें तियान चैन स्माइल करते हुए अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाते हैं और उनके हाथ में रेड स्कारलेट फ्लेम निकलने लगती है, जिसे देखकर तो जॉन हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि ये उसी की फ्लेम होती है जिसे यहाँ पे कैयोस ग्रेट मोनार्क फ्लेम कहते हैं। हालांकि तभी एल्डरी कहते हैं, जुआ लॉन्ग को अभी भी आपकी मोनार्क फ्लेम के अंदर कल्टीवेशन करने की जरूरत है, मुझे भी आप में इंटरेस्ट है, अगर आप इस जगह को छोड़ना चाहते हैं तो मैं अभी भी इससे एग्री नहीं हूँ। हालांकि जॉन यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज इस चीज को लेकर था कि उसकी जो कैयोस ग्रेट मोनार्क फ्लेम थी वो एल्डर इथियान चैन के हाथों में जरा भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रही थी, मतलब कि बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो काफी ज्यादा ओबीडियंट तरीके से उनकी बात मान रही होती है। हालांकि एक झटके के साथ जोया खुद को नॉर्मल कर लेता है क्योंकि उसके सामने जो था वो पर्सन इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी पावरफुल पर्सन था, तो उसके पास उसकी खुद की टेक्निक्स होंगी जो कि और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगी। हालांकि जॉन कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डरी मुझसे क्या चाहते हैं। इस टाइम पे जॉन थोड़ी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो केवल एक ओरिजन मोनार्क सावरेन लेवल पर था, और भला इतने वीक पर्सन के ऊपर एक सेंट लेवल का वॉरियर क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। आखिरकार सेंट लेवल के वॉरियर ने उसके जैसे वॉरियर तो काफी सारे देखे होंगे। हालांकि यहाँ पे जुआन को पता था कि अगर इस लेवल का वॉरियर उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है तो केवल उसके क्या उस ग्रेट मोनार्क फ्लेम के कारण होना चाहिए। हालांकि तभी एल्डरी कहते हैं, छोटे साथी तुम सच में काफी अलर्ट हो, ये सही है, मुझे तुम्हारी क्या ग्रेट मोनार्क फ्लेम में काफी इंटरेस्ट है। तभी जुआन कहता है, मोनार्क फ्लेम। और इसके बाद इथियान चैन को देखता है जो कि आसानी से उसे कंट्रोल कर रहे थे। इस टाइम पे जो यान याद करता है कि उसकी एम्परर फ्लेम मोनार्क फ्लेम में तब कन्वर्ट हुई थी जब उसने 9 प्रोफाइन गोल्डन थंडर को स्वैलो कर लिया था, और उस टाइम पे तो जो यान भी काफी ज्यादा हैरान था। हालांकि तभी लॉन्ग टाइम बाद तियान चैन कहते हैं, आपके पास जो कैयोस ग्रेट मोनार्क फ्लेम है, इस मोनार्क फ्लेम में 3000 थंडर कैयोस ग्रेट मोनार्क फ्लेम का ओरिजिन एसेंस है, या कि फायर एसेंस। जिसपे जियो यान कहता है, 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम। और इसके बाद वो कैयोस ग्रेट एम्परर फ्लेम को देखता है। एम्परर और मोनार्क एक ही है, तो ध्यान से देखने पर जुआन देख सकता था कि उसकी एम्परर फ्लेम के अंदर छोटा सा लाइटिंग ड्रैगन तैर रहा है। जिसके बाद जुआन कहता है, 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम, क्या ये भी एम्परर फ्लेम का एक प्रकार है। जिसके बाद जुआन कुछ सोचता है और अचानक ही कहता है, जिस पे एल्डरी जुआन को अजीब तरीके से देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता। जिसपे जुआन हेल्पलेस तरीके से नामे से हिला देता है, जिसपे इथियान चैन जुआन को अजीब तरीके से देखते हुए कहते हैं, ग्रेट वर्ल्ड के अंदर काफी सारी होली चीजें हैं और हर एक होली ऑब्जेक्ट नेचर में हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग के साथ ही बॉर्न होता है या कि पैदा होता है, और ये काफी सारी पावरफुल चीजें होती है जिनमें होली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके वेपन हो सकते हैं, आपके आर्मर्स हो सकते हैं, आपके क्लॉथ हो सकते हैं, और साथ ही साथ फ्लेम्स जो कि एम्परर फ्लेम ग्रेट वर्ल्ड के अंदर 12 सबसे पावरफुल होली ऑब्जेक्ट में से एक थी। साथ ही प्रेजेंट टाइम पे 36 टाइप की होली फ्लेम्स थी, सॉरी एम्परर मोनार्च फ्लेम थी, जो स्वर्ग और हेवन और अर्थ के बीच बॉन्ड हुई थी, और इन्हीं ने एम्परर फ्लेम रैंकिंग को भी क्रिएट किया था, जिसमें आपकी कैयोस ग्रेट एम्परर फ्लेम को 32 पोजीशन पे रखा गया था, जबकि 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम को 27th रैंकिंग पर रखा गया था। और साथ ही मैंने एक मिथ भी सुना था कि अगर सभी एम्परर फ्लेम्स को इकट्ठा किया जाता है और इसका यूज किसी के साथ एक साथ फ्यूज करके किया जा सकता है तो वो पूरे हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनकी बात को सुनकर तो जुआन भी काफी चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के जैसे ही इस वर्ल्ड के अंदर भी एक और फ्लेम रैंकिंग होगी जिसे एम्परर फ्लेम रैंकिंग कहते हैं। साथ ही उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सभी हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन जो कि कैयोस ग्रेट एम्परर फ्लेम था वो फ्लेम रैंकिंग में 32
32 पोजीशन पर होगा। हालांकि तभी इतियान चैन कहते हैं आपके पास कैयोस ग्रेट मोनार्क फ्लेम में 3000 थंडर मोनार्च फ्लेम भी है। हालांकि उसका फायर एसेंस अभी भी पूरी तरीके से ग्रेट एम्परर फ्लेम या कि मोनार्च फ्लेम में चेंज नहीं हुआ है और इसकी पावर काफी ज्यादा वीक लग रही है। और इस टाइम पे आपकी जो एम्परर फ्लेम्स है वो 8 स्टार डाउडी के बराबर है, इसीलिए इन्हें पूरी तरीके से एम्परर फ्लेम नहीं माना जा सकता। इथियान चैन की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही सोचता है क्योंकि उसे पता था कि लिटिली की पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुकी है। साथ ही जोयान ने नहीं सोचा था कि लिटिली इससे ज्यादा भी पावरफुल होगा। हालांकि उसे अब समझ में आ गया था कि ग्रेट वर्ल्ड की होली ऑब्जेक्ट में से एक होने के कारण उसकी पावर इतनी छोटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिसका मतलब था कि लिटिली और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा प्राउड फील करता है और एक्साइटेड फील करता है, जिसके बाद वो कहता है, एल्डरी क्या आपके पास मेरी एम्परर फ्लेम को पूरी तरीके से बदलने का कोई तरीका है? जिसमें इथियान चैन थोड़ा सा उदास होते हुए जोयान की तरफ देखते और स्माइल करते हुए कहते हैं, छोटे साथी मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास होली सेंट लेवल की पावर है। उनकी बात को सुनकर जोयान काफी शॉक होता है और कहता है, एल्डरी आप मजाक कर रहे होंगे, मैं सिर्फ 3 स्टार सावरेन या कि वॉरियर लेवल पर हूँ। मैं भला एक सुप्रीम सेंट लेवल का वॉरियर कैसे हो सकता हूँ? जिसपे इथियान चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो? जिसपे जोयान के हाव तुरंत ही बदल जाते हैं और वो कहता है, मैं अपनी इतनी सी पावर के साथ आपके साथ कैसे फाइट कर सकता हूँ? जिसपे इथियान चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि तुम एक सुप्रीम सेंट नहीं हो, तुम मुझे हरा भी नहीं सकते, तो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? आखिरकार यह सिर्फ एक एम्परर फ्लेम है जो कि फ्लेम रैंकिंग में 32 पोजीशन पर है, क्या इसे बदलना आसान नहीं है? यहाँ तक कि जियो लॉन्ग ने यह भी कहा है कि आपकी जो एम्परर फ्लेम है वो बहुत वीक है और उसके कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए भले ही आप ना कहें फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। इथियान चैन की बात को सुनकर तो जोयान जो कि काफी ज्यादा घबरा गया था आखिरकार खुद को रिलैक्स फील करता है, क्योंकि इथियान चैन के सवालों ने तो उसके दिल की धड़कन को ही बढ़ा दिया था। उसने तो सोचा था कि वास्तव में उसने एल्डरी को नाराज कर दिया। और इस टाइम पे डरे हुए जोयान को देखकर इथियान चैन स्माइल करते हैं, क्योंकि हजारों सालों से वो अकेले थे और बड़ी मुश्किल से एक लड़का उन्हें मिला था जिससे वो बात कर सकते थे। और इस टाइम पे जोयान उन्हें काफी अच्छा लगा था और वो जोयान से काफी खुश भी थे। हालांकि वो जोयान की डरी हुई और नाराजगी भरी नजरों को इग्नोर कर देते हैं और इसके बाद जोयान के एम्परर फ्लेम को देखते हैं और उसे आसमान में उछाल देते हैं। और इसके बाद वो अचानक ही अपनी उंगली को फैलाते हैं जिससे आसमान में बादल छाने लगते हैं और तेज आंधी सी आने लगती है। और इस टाइम पे जो जियान की एम्परर फ्लेम होती है वो बीच में रुकी हुई होती है और स्ट्रॉम के अंदर एक फायर लोटस में क्रिएट हो गई होती है। साथ ही स्ट्रॉम में जो पावरफुल एयर फ्लक्चुएट हो रही थी उसके कारण भी उस फायर लोटस को कुछ भी नहीं होता, वो बस धीरे धीरे खिलता जा रहा होता है और उससे एक फायर पिलर निकलता है जो कि सीधा ही आसमान की तरफ शूट हो जाता है। और उसके बाद उसी फायर पिलर के चारों तरफ काफी सारी फ्लेमें तैरने लगती हैं। हालांकि इथियान चैन जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे कि अचानक वो कुछ फील करते हैं और इसके बाद वो फायर लोटस के सेंटर में देखते हैं, जहां वो उस फ्लावर की कली के बीच में प्योर रेड फ्लेम की एक छोटी सी बॉल होती है जो कि धीरे धीरे जल रही थी और यही वास्तव में एम्परर फ्लेम का फ्लेम एसेंस था। साथ ही उसके आसपास एल्यूजनरी लाइट का क्लस्टर भी तैर रहा होता है जो कि एक लाइटिंग ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि इथियान चैन की नजरों से वो बिल्कुल भी नहीं बच पाया था, उनकी नजरों के कारण वो ड्रैगन हल्का सा कांप रहा होता है। हालांकि जॉन अपनी बीक पावर के साथ इसे फील नहीं कर सकता था, लेकिन इथियान चैन इसे पूरी तरीके से फील कर सकते थे। और इस टाइम पे छोटे से लाइटिंग ड्रैगन का ऑरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम का था। और इस टाइम पे इथियान चैन की आंखें अचानक ही साइन होती जैसे वो कुछ सोच रहे हो और इसके बाद वो अचानक ही काफी चौंकते हुए उस लाइटिंग ड्रैगन की तरफ देखते हैं और इसके बाद उससे नजरें हटा लेते हैं और वो छोटा सा लाइटिंग ड्रैगन भी तुरंत ही गायब हो जाता है, जैसे कि उसे माफी मिल गई हो। और इसके बाद आसमान में चारों तरफ फायर ही फायर फैली हुई होती है और एक फायर का समुद्र जैसा एरिया बन गया था, जिसके बाद इथियान चैन स्माइल करते हैं और तिरछी नजर से जोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद उनकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ से फायर लोटस को घेर लेती है। और इस टाइम पे जोयान का चेहरा भी पीला पड़ जाता है जब वो इस स्पिरिचुअल फोर्स को फील करता है। इस टाइम पे जोयान कांपने सा लगा था। इस टाइम पे जोयान को पता था कि इस सोल फोर्स का तो एक अटैक भी वो नहीं झेल पाएगा। हालांकि जैसे ही उनकी स्पिरिचुअल पावर फायर लोटस में एंटर होती है तो आसपास का वो जलता हुआ एरिया पूरी तरीके से गायब होने लगता है। और इस टाइम पे तो जोयान ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है जैसे कि वो बेहोशी हो गया हो। हालांकि उसी टाइम पे इथियान चैन स्माइल करते हैं और अपने राइट हैंड से एक फॉर्मेशन सी बनाते हैं जैसे कि वो कुछ खींच रहे हो, जिसके बाद बहुत जल्दी ही आसपास की फ्लेमें बुझ जाती हैं और तूफान भी पीछे हट जाता है। जिसके बाद जोयान आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखता है तो बस एक फायर लोटस धीरे धीरे आसमान में घूम रहा था और इस फायर लोटस में कोई भी टेम्परेचर नहीं था। ये मानो ऐसा था जैसे कि ये फायर लोटस पावरफुल होने की प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका हो। इस टाइम पे ये जो फायर लोटस होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और साथ ही साथ पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर लग रही होती है इसकी फ्लेमें। साथ ही इसका साइज भी पहले से इंक्रीज हो गया था। और न्यू फायर लोटस को देखकर इथियान चैन भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और इसके बाद उनके हाथ के एक फ्लक्चुएशन के साथ वो फायर लोटस उनके हाथ में आ जाता है। और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हैं और अपने हाथ को आगे करके वो फायर लोटस जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं।
और इस टाइम पे जुआन उस फायर लोटस को देखकर काफी खुश होता है। तभी वो फायर लोटस भी धीरे धीरे लिटिली में बदल जाता है। और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे लिटिली की बॉडी में ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन उसका बिहेवियर काफी बदल गया था। और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि वो इस ग्रेट वर्ल्ड के साथ पूरी तरीके से फैमिलियर हो गया हो। साथ ही जोयान ने लिटिली की जब पावर फील की तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लिटिली की पावर ही नहीं देख पा रहा था। इसलिए इस टाइम पे जॉन केवल अंदाजा लगाता है कि लिटिली की पावर 5-स्टार सावरेन लेवल पर होगी। हालांकि तभी ई तियान चैन कहते हैं आपकी कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम की पावर 9-स्टार ओरियन सावरेन लेवल पर है। हालांकि यह एनिमी के खिलाफ ज्यादा यूजफुल तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप पावरफुल होते हैं और काफी अच्छी तरीके से इसे कंट्रोल करते हैं तो आप अपने से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को भी इससे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोयान ई तियान चैन की बातों को सुनकर तुरंत ही सिर हिलाता है। जोयान को अच्छी तरीके से याद था कि उसे जो पहली फ्लेम मिली थी वो ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती गई थी तो उसकी हेवनली फ्लेम की पावर भी बढ़ती जाती थी और वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाती थी। साथ ही ग्रीन लोटस फ्लेम के अंदर अभी भी उसका कंट्रोल काफी अच्छा था और वो काफी पावरफुल थी, यहाँ तक कि जॉन डाउ सेंग लेवल के वॉरियर को भी उसके एक झटके के साथ घायल कर सकता था। हालांकि इस टाइम पे उसकी कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम 9-स्टार सावरेन लेवल पर है। ये पहले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी और फ्यूचर में यह उसके लिए काफी बड़ा ट्रंप कार्ड भी बन सकती थी। हालांकि तभी एल्डर ही कहते हैं ठीक है, ग्रेट वर्ल्ड में आने के बाद क्या आपके कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम के साथ कुछ भी अब नॉर्मल हुआ था? इतियान चैन अचानक ही पूछते हैं, जिसे जुआन होश में आ जाता है और इसके बाद लिटिली और नाइन मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग के स्वैलो के बारे में बताता है। जुआन की बातों को सुनकर इतियान चैन अचानक ही अपनी भौहें चढ़ा लेते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। ये सुनकर तो जुआन भी काफी अजीब फील करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एल्डर ही इसके बारे में कुछ जानते होंगे। हालांकि लॉन्ग टाइम बाद इथियान चैन होश में आकर जुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम किस कल्टीवेशन टेक्निक का कल्टीवेशन करते हो? उनकी बात को सुनकर जोया एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और इसके बाद अपनी ओरिजिन कुई को वो तुरंत ही अपनी कुई चैनों से पास करने लगता है और एक एल्यूजनरी फिगर में उसे कंडेंस करने लगता है। और इस टाइम पे ये चैन बिल्कुल जॉन की मेरिडियंस और बेन्स की तरह दिखाई दे रही होती है, जो की एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और पूरी तरीके से रेड थी और काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। इसे कम्प्लीट कर लेने के बाद जोया इतियान चैन की तरफ देखते हुए कहता है एल्डरी मैं इसी कल्टीवेशन टेक्निक का कल्टीवेशन करता हूँ। इतियान चैन अपनी पावर के साथ जोयान की बॉडी के अंदर पावर के सर्कुलेशन को देख सकते थे, जो कि और इसके फ्लेम मंत्रा के कारण हो रहा था। और यह देखकर इतियान चैन काफी ज्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। साथ ही उसने जोयान से सुना था कि ग्रेट वर्ल्ड में आने के बाद उसका फ्लेम मंत्र अपने आप ही अपग्रेड हो गया था और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी भी नहीं सुना था। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि होली फ्लेम को भी ग्रेट वर्ल्ड में आने से पहले पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा था और यहां एक कल्टीवेशन मेथड जो कि लो ग्रेड की कोई चीज थी वो ऐसे कैसे इस वर्ल्ड के अंदर आ सकती थी और उसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती थी, जिसके बाद वो कहते क्या ऐसा हो सकता है कि यह चीज वास्तव में ग्रेट वर्ल्ड से रिलेटेड हो। और ये सोचते ही वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और आसमान में एक अजीब पर्सन के बारे में याद करते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता था एम्परर फ्लेम्स ग्रेट वर्ल्ड के अंदर 12 सबसे पावरफुल और होली ऑब्जेक्ट में से एक थी, लेकिन उनमें से एक चीज कई सालों पहले यहाँ से अलग हो गई थी। और उन्हें जहाँ तक पता था तो उन 12 होली ऑब्जेक्ट में से जो चीज अलग हुई थी वो एक अजीब सा कल्टीवेशन टेक्निक था। हालांकि वो इस चीज के बारे में काफी देर तक सोचते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद बुज्जान की उम्मीद भरी नजरों को देखकर थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। उनकी बात को सुनकर जुआन अजीब तरीके से स्माइल करता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या कहना है। जिस पर एल्डर कहते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी सारी चीजें हैं, मैं मानता हूँ कि मैं हर एक चीज को नहीं पहचान सकता, लेकिन आप एक सावरेन वॉरियर है और एक लिटिल पर्सन है जो कि लोअर वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं, आपके पास इतनी अजीब चीज कैसे हो सकती है? इस टाइम पे तियान चैन बिल्कुल भी एक सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर के जैसा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इस टाइम पे जोयान उनकी बातों को सुनकर काफी शॉक होता है, यहाँ तक कि इतियान चैन भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि इसका फ्लेम मंत्रा क्या है। लेकिन बाद वाले के फेस इंप्रेशन को देखते हुए जोयान को इतना तो पता चल गया था कि ये ग्रेट वर्ल्ड से ही रिलेटेड कोई चीज होनी चाहिए। इसलिए केवल दो ही पॉसिबिलिटीज थी कि या तो ये कोई बहुत ही नॉर्मल चीज थी जिसके कारण इतियान चैन इसे नहीं पहचानते थे, लेकिन जोयान का ये फ्लेम मंत्रा कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम जैसी डिवाइन चीज को भी उसके लिए इजी टू यूज बना सकता था और उस फ्लेम को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो इससे जोयान को इतना तो पता था कि ये कोई नॉर्मल चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसके पास केवल दूसरी पॉसिबिलिटी बचती थी। इसलिए जोयान काफी डीप आई से इतियान चैन की तरफ देखता है और इसके बाद वो कुछ कह पाता कि तभी इतियान चैन कहते हैं ये एक छोटी सी बात है, लेकिन आपकी जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो सच में 12 होली ऑब्जेक्ट में से भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकती है।
ई ध्यान चैन की बात को सुनकर जो यान भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे भी इसी की पॉसिबिलिटी लग रही होती है। इस टाइम पे वो काफी देर तक सोचने के बाद जोयान की तरफ देखते हैं और उन्हें जोयान सच में काफी अजीब फील हुआ था और साथ ही उन्हें पता था कि अगर ये कल्टीवेशन मेथड उन्हीं 12 होली ऑब्जेक्ट में से एक है तो फ्यूचर में जोयान का जो पोजीशन और फ्यूचर होने वाला था वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला था। और अगर जोयान के बारे में ये बात फैल जाती तो पावरफुल एल्डर्स भी जोयान के लिए फाइट करने के लिए आ जाते। हालांकि थोड़ा सा खांसने के बाद इथियान चैन कहते हैं यह केवल एक अनुमान है, लेकिन भले ये एक अनुमान ही क्यों ना हो आपका जो कल्टीवेशन मेथड है ये लेजेंडरी होली ऑब्जेक्ट है। हालांकि अपने प्रेजेंट टाइम की लो पावर के साथ आप अभी भी इसके बारे में अच्छे से जानने के लायक नहीं है, इसलिए इसके बारे में भूल जाइए। जिसके बाद वो कहते हैं क्योंकि आपने कहा कि आपका फ्लेम मंत्र आपको लोअर वर्ल्ड में काफी सारी फ्लेम्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए आपकी वाइल्ड एम्परर फ्लेम 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम बन रही है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने हाथ में कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम को देखता है। साथ ही उसे पता था एम्परर फ्लेम रैंकिंग में उसके कैओस फ्लेम की जो रैंकिंग थी वो 3000 लाइटिंग फ्लेम से काफी पीछे थी, तो ये लाइटिंग फ्लेम कैसे बन सकती थी। हालांकि तभी ई तियान चैन कहते हैं ये 9 प्रोफाइन गोल्डन थंडर लाइटिंग के कारण है, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है वो आपका फ्लेम मंत्र की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको कुछ देर वेट करना चाहिए और कुछ ही टाइम के बाद आपकी कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम में बदल जाएगी। इस टाइम से ये वर्ड थोड़ा सा मजाक के जैसे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि ई तियान चैन ने कहा था तो जॉन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि इस टाइम पे जॉन को लग रहा था कि अगर ऐसा हो सकता है तो क्या वो 36 एम्परर फ्लेम्स को आसानी से इकट्ठा नहीं कर लेता। हालांकि जैसे ही ई तियान चैन जॉन को कंफ्यूज देखते हैं तो वो कहते हैं कंफ्यूज मत हो ब्रदर, बाकी की एम्परर फ्लेम्स को क्रिएट करने में कैपेबल होने के लिए कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम की पहली शर्त यह है कि उन फ्लेम के फ्लेम एसेंस को आपको रिफाइन करना होगा। और इस टाइम पे 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम के अलावा आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि बाकी की सभी फ्लेम्स के फ्लेम एसेंस को आपको ढूंढना होगा। ई तियान चैन के वर्ड ठंडे पानी की तरह होते हैं जो जोयान को तुरंत ही शांत कर देते हैं, और जोयान बस हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता है और इन चीजों को अपने दिमाग के पीछे फेंक देता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ वो भला ऐसा कैसे कर सकता था और इसमें अभी काफी टाइम लगने वाला था। इस टाइम पे जोयान पहले ही काफी भाग्यशाली था कि उसके पास कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम थी और उसे अपनी लिमिट को जानना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा था। हालांकि तभी ई तियान चैन जोयान को यानी कि लिटिल ई को जोयान के हाथों में देखते हैं और इसके बाद वो कहते हैं मेरे हिसाब से अगर कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम सक्सेसफुली 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम बन सकती है तो 100% उन दोनों फ्लेम के बीच में एक बड़ी बैटल होगी और उससे आपको भी काफी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लेवल आई मीन 3 स्टार ओरिजन 3 स्टार सावरेन वॉरियर लेवल की पावर के साथ मुझे नहीं लगता कि आप इसे संभाल सकते हैं। इस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊं तो 9 प्रोफाउंड गोल्डन थंडर की पावर को देखते हुए 1 साल के अंदर ये 3000 मोनार्क फ्लेम या कि एम्परर फ्लेम में बदल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बचे हुए 5 महीनों तक इन फ्लेम के फ्यूजन का कतरा झेलना पड़ेगा, इसीलिए आपको अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन करना चाहिए। ये सुनकर जियान चौंक जाता है और तुरंत ही सीरियस होकर अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसे ई तियान चैन की बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था। और इसके अलावा एम्परर फ्लेम का फ्यूजन कुछ ऐसा था जिसकी तो जियान कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार इसका प्रोसीजर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला हो सकता था, और क्योंकि जोयान कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम का मास्टर था तो जब वो कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम का फ्यूजन 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम के साथ करेगा तो वो इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। और इसके बाद इस फ्यूजन में जो भी कुछ होने वाला था उसे जोयान को भी झेलना पड़ेगा, इसीलिए इस टाइम पे अपनी पावर को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद ई तियान चैन खुद पे ही स्माइल करते हैं और कहते हैं इसमें मेरा भी मोटिव है, कैओस ग्रेट मोनार्क फ्लेम जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी लिटिल ड्रैगन को उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ये सुनकर जॉन स्माइल करता है और तुरंत ही एल्डर ई को ग्रीट करता है और कहता है एल्डर ऐसा मत कहिए, कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम जितनी स्ट्रांग होगी वो मेरे लिए उतनी ही अच्छी होगी, और आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं आपका काफी ज्यादा आभारी हूँ। ये सुनकर ई तियान चैन सिर घुमाकर जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं आपकी पावर तो अच्छी नहीं है लेकिन आपकी बोलने की कला काफी अच्छी है, और इसके बाद वो कहते हैं और साथ ही स्माइल भी करते हैं। इस टाइम पे ई तियान चैन वो कम से कम 10,000 साल से अकेले थे और मरने से पहले वो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। वो जोयान की वॉइस में ग्रेटफुल बिहेवियर को साफ साफ देख सकते थे, साथ ही वो एक पावरफुल एल्केमिस्ट भी थे जो कि सुप्रीम सेंट लेवल पर पहुंच गए थे और उन्होंने हर एरिया में अपनी पावर को बढ़ाया था, और बहुत से लोग थे बहुत कम लोग थे जो कि उनका कंपैरिजन कर सकते थे। हालांकि वो एक एल्केमिस्ट सेंट मास्टर बन गए थे लेकिन अपनी पोजीशन के साथ वो किसी से भी नहीं डरते थे और खुले तौर पर किसी का भी विरोध कर देते थे, और उनकी पावर और पोजीशन को देखते हुए किसी ने भी कभी भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया, लेकिन एक बार उन्होंने उन्हें वास्तव में एक क्लेन ने टारगेट पे ले लिया था, और इसके अलावा उसने 2 सेंट लेवल के एक्सपर्ट को उन्हें और उनके इस लिटिल रियलम में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना।
हालांकि उनकी बात को सुनकर तो जोयान का दिल तेजी से धड़कने लगता है कि वास्तव में एक सेंट लेवल के वॉरियर के साथ उसे उसी के रियलम में रहना था। हालांकि इस टाइम पे जोयान ज्यादा कुछ भी सोचता नहीं है और चुपचाप हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे रहकर अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। जिसपे इथियान चैन स्माइल करते हैं और जोयान की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो जियान की टांग खींचते हुए कहते हैं आप एक साल के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं तो आप कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, क्या ये मजाक है? आखिरकार आप पहले ऐसे छोटे साथी हैं जिससे मैं इतने सालों बाद मिला हूँ, अब मैं यहाँ पे तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ, मैं वाला इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। और इसके बाद इथियान चैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उनकी आंखें अचानक ही साइन होती है और इसके बाद वो कहते हैं लिटिल बॉय ये मेरा एल्यूजनरी रियलम 4 सालों बाद गायब हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो मैं पूरी तरीके से मर जाऊंगा। साथ ही ये जो रियलम है ये बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग है, बाहर की दुनिया के 3 साल अंदर के 1 साल के बराबर होते हैं, तो अगर आप ठीक हैं तो ये कैसा रहेगा कि आप इन 4 सालों को पूरी तरीके से यहाँ पे व्यतीत करें। ये सुनकर तो जियान का शांत हुआ दिल एक बार फिर से धड़कने लगता है और जियान की जो ओरिजिन कोई होती है वो भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही होती है। हालांकि जियान कहता है धन्यवाद एल्डरी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट जरूर करूंगा। इस पे इथियान चैन भी थोड़ा सा उदास होकर स्माइल करते हैं क्योंकि इनमें उनका भी एक मोटिव था, उन्हें पता था कि जॉन की क्रेज कैओस ग्रेट एम्परर फ्लेम अभी काफी ज्यादा वीक है। हालांकि वो एम्परर फ्लेम में तो कन्वर्ट हो चुकी है लेकिन वो अभी भी काफी वीक थी और इसके अलावा 3000 लाइटिंग एम्परर फ्लेम के साथ उसे फ्यूज करना था तो बाहर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। साथ ही उनका जो लिटिल ड्रैगन था वो सेंट लेवल का होली बीस्ट था लेकिन उन्हें डर था कि 1 साल के अंदर वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए इथियान चैन जोयान को यहाँ पे रोकने के लिए ऐसा कह रहे थे और उन्होंने तब तक जोयान को रोकना था जब तक ये एम्परर एल्यूजनरी रियलम पूरी तरीके से गायब ना हो जाए। साथ ही इस रियलम के 4 साल बाहरी दुनिया के 1 साल के बराबर थे। ये वाला राइटर भी रिबर्थ की ताल के बराबर है, ये बंदा खुद पे ही क्यों कंफर्म नहीं है था। जिसपे इथियान चैन कहते तो ये तय हो आपने लगती है और जियान के चारों तरफ 6 फायर फ्लड दिखाई देते हैं जिनमें वही फायर स्प्लिट ब्लड की एक एक ड्रॉप थी। और इसके बाद वो कहते इतनी अच्छी चीज को बर्बाद मत करो छोटे साथी, हालांकि ये चीज एक लो ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के लिए यूज होती है लेकिन आप अपनी सोल पावर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही इस पिलर के अंदर का जो ब्लड ड्रॉप है उसके अंदर काफी पावरफुल फायर एट्रीब्यूट की एनर्जी है जो आपके लिए पूरी तरीके से सुटेबल है और इसका यूज करके आप अपने कल्टीवेशन को काफी स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी फिंगर को घुमाते हैं और एक फायर पिलर तुरंत ही चटक कर टूट जाता है, आनी हुई 6 जेट की बोतल के अंदर चली जाती हैं और वो 6 जेट की बोतल जो यान की तरफ बढ़ती हैं, जिसके बाद जोन एक जेट की बोतल को पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है। जिसके बाद इथियान चैन कहते हैं मैंने पहले ही इसकी बाइल्ड एनर्जी को सप्रेस कर दिया है, आप इसका यूज करके 4 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और जब आप 4th स्टार पे ब्रेक थ्रू करेंगे तब ये काफी मजेदार होगा। इसके बाद जोयान हाँ में सर हिलाता है और इथियान चैन वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक ब्लड की ड्रॉप को अब्सॉर्ब कर लेता है और इस टाइम पे उस ब्लड की ड्रॉप का यूज करते ही जोयान के आसपास का जो आसमान होता है वो काफी जल्दी बदलने लगता है और वहाँ पे चारों तरफ पावरफुल रोर छाने लगता है, जिसके बाद अचानक ही एक ब्लैक शैडो जोयान के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर जोयान ओरिजिन क्विक को तुरंत ही एक्टिवेट करके एक पंच उस ब्लैक शैडो की तरफ फेंक देता है। हालांकि जोन उसे एक पंच तो मारता है लेकिन अचानक ही जोन को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और इसके बाद वो जब अपने पंच को देखता है तो वो पूरी तरीके से रेड हो गया था और इसके बाद वो अपने सामने ब्लैक शैडो की तरफ देखता है जो कि एक बुल्फ की तरह थी लेकिन उसके पास साथ ही इसे जो बुल्फ डेविल बीस्ट की पावर होती है वो ओरिजिन सॉवरेन लेवल पर होती है, सॉरी सॉवरेन वॉरियर लेवल पर। और जोन के पावरफुल पंच के कारण वो बेचारा दर्द से कराहते हुए जमीन पे आलू की बोरी की तरह पटक दिया गया था, जिसके बाद वो बुल्फ कुछ फुसफुसाता है और इसके बाद धीरे से खड़ा हो जाता है लेकिन वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि इस टाइम पे उस बुल्फ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, हालांकि एक ही बार में उस बुल्फ को मारने के बाद जॉन रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं कर पाता और अपने तुरंत ही चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे सैकड़ों बुल्फ काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कंडेंस हो गए होते हैं और इन्हें देखकर तो जॉन के फेस इंप्रेशन ही बदल जाते हैं। और उस टाइम पे चौक के ऊपर इथियान चैन इत्मीनान से पालथी मारकर बैठे हुए होते हैं और चाय के जिप पे जिप लगा रहे होते हैं, साथ ही वो जोयान के फेस इंप्रेशन को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं ऐसा लगता है कि केवल अबनॉर्मल लोग ही सुप्रीम सेंट लेवल के वॉरियर का इनहेरिटेंस ले सकते हैं। तो चलो गाइस ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करूंगा और नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड काफी पसंद आया होगा।